बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर के ठीक नीचे बिनवा नदी के किनारे स्थापित खीरगंगा में जल्द एक भव्य घाट का निर्माण होगा। मंगलवार को विधायक मुल्कराज प्रेमी ने अधिकारियों सहित खीरगंगा का दौरा किया तथा यहां एक भव्य घाट बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग और आईपीएच विभाग के अधिशासी अभियंताओं सहित तहसीलदार व अन्य अधिकारियों से तकनीकी राय भी जानी। प्रेमी ने कहा कि ये घाट काफी ऐतिहासिक है तथा यहाँ पर दूर दूर से लोग पूजा अर्चना सहित अस्थियां विसर्जन करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस घाट का जल्द से जल्द पूर्ण उद्धार करवाया जाएगा ताकि ये एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सके। उल्लेखनीय है कि इस खीरगंगा घाट का ऐतिहासिक महत्व है और यहाँ पर श्रावण महीने के मेलों के अलावा भी पूरा साल लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं। मेरे लिए ये भी बड़े शुभाग्य की बात है कि आज जो मैंने सबसे पहले बात विधानसभा के अंदर भी रखी थी कि खीरगंगा घाट, आज मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आज जो मुझे लगता है ये सपना जल्दी पूरा होगा। विधायक ने खीरगंगा घाट में अस्थियां विसर्जित करने आए कुछ लोगों से भी मुलाकात की और उनके परिजनों के निधन पर दुख जताया। इस दौरान विधायक ने यहां खीरगंगा के समीप बनने वाली पार्किंग के निर्माण कार्य को भी देखा और इसे जल्द से जल्द करवाने के लिए नगर पंचायत के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि काफी सालों से खीरगंगा के समीप पार्किंग बनाने की बात तो होती आई है लेकिन पार्किंग का निर्माण आज तक नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने विधायक बनने के बाद इसे अपनी प्राथमिकताओं में डाला और आज इसका कार्य शुरू हो चुका है। विधायक ने इसके बाद हारेड़ गांव का दौरा किया तथा वहां सिंचाई कूल के संबंध में लोगों को आई समस्याओं का मौके पर समाधान करवाया। उन्होंने यहां पर जड़ुल कूल के नए बने हेड को भी देखा और इसको लेकर ग्रामीणों और अधिकारियों को बधाई दी। जड़ुल कूल हारेड़ से निकलकर कंडी, खड़ानाल और पंतेहेड़ से लेकर टासी जोंग तक किसानों को सिंचाई उपलब्ध करवाती है। बैजनाथ पपरोला न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।